और यहाँ पे देखो हमारे सीक रेडी हो गए हैं। और गाइस आज मुझे एक ब्रांड प्रमोशन आया तो बस मैं वही शूट करने के लिए जा रही हूँ। पूल पार्टी का कुछ तो इंतजाम हो रहा है, सब पधारे हुए तो ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। और आज अपने ब्लॉग की शुरुआत बहुत लेट कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत सारा काम किया है, क्योंकि कपड़े वगैरह सब धोने थे और भी थोड़े बहुत काम थे, झाड़ू पोछा सब कुछ करना था, तो मुझे उसमें बहुत लेट हो गया। तो अभी मैं जस्ट खाना खा के उठ रही हूँ और मैंने अभी अभी ब्लॉग स्टार्ट किया, मतलब एकदम अच्छे से मैं फ्री हो गई हूँ अपने काम से। और अभी खाना वाना तो जो भी सब शाम में होगा। फिलहाल अभी मौसम बहुत अच्छा, एकदम बारिश का बना हुआ है, बट बारिश हो नहीं रही है। तो अभी हम लोग चलेंगे थोड़ा टाइम में छत पे और इन लोग कुछ शायद सब लोग गए छत पे, तो वहां पे मैं भी चलूंगी। और आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि मैंने वो नया पोछा लगाने वाला मंगाया, जिससे पोछा लगाया जाता है। एक्चुअली मुझे कमर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा ना, अब मैं मतलब बैठ के कोई काम ज्यादा देर तक कैसे मतलब कर नहीं सकती या ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं हो सकती, आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन की वजह से। तो इसीलिए मैंने उसको मंगाया है, तो अभी मैंने पोछा भी उससे लगाया। सच में बहुत इजीली हो जा रहा है, एकदम अच्छे से मेरा काम आसान हो गया। और यहाँ देख लो सारे कपड़े इधर ही मैंने घर में यहीं पे फैला दिए, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है तो इसलिए वहां डालना रिस्की हो सकता है, तो इसीलिए अंदर ही रूम में सारे कपड़े फैला दिए, खाली टॉवल बाहर डाल के। और अभी फिलहाल बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं भी छत पे आ गई हूँ और यहाँ पे पूल पार्टी का कुछ तो इंतजाम हो रहा है, सब लोग पूल पार्टी करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। ये देखो मैं बोल रही थी ना आज की छांव है छत पे, वल्ला अभी भी समीर पधार चुके हैं, एक दिन हो गया पधारे हुए। हाँ ये अभी आज हुआ पधारे हुए पधारे हुए। यहाँ पे इन लोग गर्मी का मजा ले रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे लहसुन अदरक सब लेकर आई हूँ तो छीलने के लिए, ताकि सारा काम इधर ही आराम से बैठे बैठे हो जाए। A few moments later. और यहाँ पे पूल पार्टी समाप्त हो गई है और शाम हो गई है, देखो सूरज ढल रहा है, तो हम लोग सब चल रहे हैं अभी नीचे। और यहाँ पे भी खाना ना सब पक चुका है और आज हम लोग घर में एक नई स्पेशल डिश बन रही है, वो है सीख कबाब। तो यहाँ पे भी स्मोक का फ्लेवर दिए हम लोग ने कबाब में, और अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे, बाकी सब कुछ बन के रेडी हो गया है। समीर मैं यही मिस कर रही थी जब तू रोज किचन में आके पूछता था, मैंने कोई पूछने वाला नहीं कि क्या पक रहा है। सच्ची में ये भी हम लोग का पहला सीख रेडी हो गया है। भाभी मुंबई से कुछ नया सीख कर आए हैं तो इसके लिए अभी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अभी ईद का जो है ना गोश्त वोश्त सब बचा हुआ है ना, तो इसके लिए हम लोग बना बना के सब ट्राई कर ले रहे हैं। और यहाँ पे देखो हमारे सीख रेडी हो गए हैं, कितने सारे हुए हैं, और जिसको तलने की बारी आ गई है। बट अभी यहाँ पे सीख नहीं तलने जा रही, हम पहले भी अंडा तलेंगे, बाद में इसको जब तक खाने लगेंगे उसके बाद तलेंगे। A few moments later. तो अभी बज रहे हैं 10 और हम लोगों ने खाना खा लिया, और मैंने आप लोगों को सीख को फ्राई करते हुए दिखाया नहीं क्योंकि ऐसी क्योंकि तभी मैं किचन में नहीं गई इसलिए मैंने नहीं दिखाई। और हम लोगों ने खाना खा लिया, सीख टेस्ट में बहुत अच्छा था बट थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं था, बस थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई हम लोग से। और अभी खाना खा चुके हैं और यहाँ पे अभी मेरे बेड पे बेडशीट भी नहीं है, यहाँ सारे कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए। तो अभी फिलहाल मेरा यही काम है कि पहले मैं इन सारे कपड़ों को अच्छे से घड़ी करके रखूं, क्योंकि मुझे मेरा घर एकदम बिखरा हुआ सा लग रहा है, तो मैं पहले इसको सबको समेट लेती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद मिलती हूँ। और उसके बाद भी मुझे एक काम है तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और गाइज आज मुझे एक ब्रांड प्रमोशन आया तो बस मैं वही शूट करने के लिए जा रही हूँ, और ये बात झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं कब आएगा मुझे ब्रांड प्रमोशन। वैसे आए हैं बट मैंने नहीं किए हैं, और अब तो व्यूज कम होने लग गए तो इस वजह से नहीं आते। तो लेकिन जब मुझे आएगा ना, जब मेरे व्यूज अच्छे जाने लगेंगे, जब आएगा तब मैं करूंगी, क्योंकि मैं कभी की नहीं हूं, तो मुझे ट्राई करने के लिए थोड़ा सा मतलब वो लग रहा था, इसलिए मैंने
जितने भी आए थे मैंने कैंसिल कर दिए थे, मैंने नहीं किए थे। और जब आएगा तो मैं एक खास व्लॉग, मतलब मेरा थंबनेल ही मेरे ब्रांड पर ही रहेगा कि मेरा फर्स्ट ब्रांड प्रमोशन, मैं ऐसा थंबनेल अपना रखूंगी। और अभी फिलहाल मैं झूठ बोल रही थी। और काफी टाइम हो गया ना गाइस, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, कम से कम 5 या 6 महीना होगा कि मैं कहीं बाहर मतलब दूर ट्रैवल नहीं करी, जैसे लखनऊ वगैरह। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं जाने के लिए, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किधर जाए, तो देखेंगे किधर जाएंगे। वैसे मेरा बहुत मन कर रहा है बाहर जाने का, तो अभी तो फिलहाल नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है इसके लिए, मैं कहीं नहीं जा रही, जब आएंगे तब जाएंगे। और मैं अपने ब्लॉग में ज़्यादा किसी को ले नहीं रही, और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा नहीं आ रहे ब्लॉग में, इसलिए क्योंकि वो अपने ब्लॉग्स बनाने में इतना ज़्यादा बिजी है ना कि उनको मेरे ब्लॉग में आने का टाइम ही नहीं है। तो मैं भी फोर्स नहीं कर रही कि आओ ब्लॉग में, तो इसीलिए सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती कोई ना कोई, तो मेरा ब्लॉग मैं खुद ही चला रही हूँ समझो अकेले आके। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी मुझे कमेंट करिए, क्योंकि सब लोग बहुत कम कमेंट कर रहे हैं तो मुझे जवाब देने में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। जब ढेर सारे कमेंट्स होते हैं ना तो मुझे जवाब देने अच्छा लगता है, और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग मेरी तारीफ कर देते हैं कि आज आप वीडियो में बहुत अच्छी लग रही थी ये वो। और आज के कमेंट में किसी ने मेरी तारीफ की कि मेरी येलो टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है मेरे पे, सो थैंक यू सो मच। और कुछ लोग पूछते हैं कि आप हेयर में क्या यूज़ करते हो ये वो, तो मैं कुछ भी ऐसा खास यूज़ नहीं करती, बस वो नेचुरल है। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते गाइस, ज़्यादा बड़ा नहीं करते व्लॉग को, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है और सुबह जल्दी भी उठना होता है, तो मुझे लेट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि अपलोड वगैरह होने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भर भर के कमेंट्स करें, और अच्छे अच्छे ढेर सारे व्यू लेके आओ ताकि मेरा मन और आप लोगों की तरफ जाए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। सो ढेर सारा प्यार दिखाइए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।